हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज फिर मैं एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेकर आया हूँ जो कि एडिटोरियल पेज से है, ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन इंडियाज पॉलिटिक्स। तो ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बेनिफिशियल रह सकता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। ब्रिंगिंग बैक मतलब किसी चीज़ को वापस लेके आना, फेथ विश्वास, बिलीफ इन इंडियाज पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स में। आजकल आपने बात सुनी होगी कि भाई बहुत सारे आदमी हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया की पॉलिटिक्स में, एंड दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू हियर अबाउट और टू गेट नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि उनको बिलीफ खत्म हो गया है और सोचते हैं कि ब्लेम गेम चलता रहता है। दैट्स वाई दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, इवन बंदे वोट डालने भी नहीं जाते हैं। बट वी हैव टू टेक कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस इज द लाइक आवर राइट एंड वी हैव टू यूज इट जुडिशियसली। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप एग्जाम परस्पेक्टिव से इसको यूज कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, वन सेकेंड। आई हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम हियर, गिव मी वन सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडियाज लीडरशिप, इंडिया की जो लीडरशिप है, रादर देन इट्स साइज, मतलब जो इंडिया की लीडरशिप है रादर देन, मतलब इसको कंपैरिजन करने के टाइम पे साइज बहुत बड़ी है। मतलब इंडिया की लीडरशिप, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह भी जो हैं ज़्यादा रहते हैं, 80 के आसपास रहते हैं और आगे भी बहुत है। हैज़ अलाउड इट टू हैव, इसने अलाउड किया इसको हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट होता है अच्छा खासा मात्रा में इम्पैक्ट, प्रभाव ऑन द ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल स्टेज पे इम्पैक्ट डाला है। लीडरशिप है रादर देन इट्स साइज, इंडिया की पॉपुलेशन का भी साइज ज़्यादा है और यहाँ पे लीडरशिप भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ लाइक अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दूँ तो मैं आपको, 543 अभी लोकसभा में है और राज्यसभा की बात करें तो 245 मेंबर हैं, तो ज़्यादा ही है, लार्ज साइज है इसका। दिखा रहे हैं हैज अलाउड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ये, प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं जिसका कोई सर्टेन टाइम नहीं होता बट पास्ट में काम हो चुका है। तो हैज अलाउड इट टू हैव मतलब रखना, यहाँ पे इस हैव का मतलब होगा रखना। ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये सिंपली सिग्निफिकेंट अच्छी खासी मात्रा में इम्पैक्ट रखता है ऑन द ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल लेवल पे विश्व तौर पर। हाउएवर हालांकि द इरोजन ऑफ द गुड फेथ इन इंडियन पॉलिटिक्स हैज लेड टू ए हार्मफुल जीरो सम एंटागोनिज्म। तो कह रहे हैं कि इरोजन जो खत्म हो रहा है, इरोजन क्या होता है, घिसाई होना ऑफ गुड फेथ, अच्छे फेथ की घिसाई हो रही है, खत्म हो रहा है। जैसे कटाव बोलते हैं ना, मिट्टी कटाव होता है, सोयल इरोजन बोलते हैं, सेम ऐसे इरोजन ऑफ द गुड फेथ हो रहा है इन इंडियन पॉलिटिक्स हैज लेड टू हार्मफुल जीरो सम एंटागोनिज्म। जीरो सम मतलब होता है कि जैसे अदले का बदला प्लस का माइनस हो जाए, जीरो सम गेम मतलब टोटल उसका जीरो आ जाए, यह है जीरो सम गेम, मतलब उसका इम्पैक्ट खत्म होता है, जो हार्मफुल जो इम्पैक्ट था, जीरो सम एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म होता है एक दूसरे के विवादपूर्ण से भर जाए। टू रिस्टोर ट्रस्ट इन द पॉलिटिक्स, रिस्टोर करना ट्रस्ट को, विश्वास को पॉलिटिक्स में, द बिहेवियर्स ऑफ द बोथ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन नीड टू बी एक्नोलेज। बिहेवियर है जो अपोजिशन का और उसका, दोनों का नीड टू बी एक्नोलेज, उसको एक्नोलेज करना पड़े। एक्नोलेज क्या होता है, जैसे कोई बटन दबाते हैं ना आप किसी चीज को एक्नोलेज कर देते हैं, कोई बजर बज रहा है तो उसको एक्नोलेज कर देते हैं, इसको मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। बट एन एड्रेस, एड्रेस मतलब उस चीज़ को सबसाइड करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम का रिजोल्वमेंट लेके आना पड़ेगा। एड्रेस होता है ना, जैसे एक तो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट वगैरह एड्रेस करते हैं, भाषण देते हैं, जो भाषण बोलते हैं, बट एक होता है प्रॉब्लम को सबसाइड करना, दबाना या उसको रिजोल्वमेंट लेना, प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो एक्नोलेज करना पड़ेगा हमें इसको, चीज़ को मानना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक ये इशू है ही हमारी सोसाइटी में और इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। द रूलिंग रेजिम जो रूल कर रही है, जो भी गवर्नमेंट है, हैज सोन इम्पेशेंस, इम्पेशेंस होता है, पेशेंस होता है शांति, है शांति दिखाई उन्होंने, उतावलापन फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, एंड हैज यूज अनडेमोक्रेटिक मीन्स टू सप्रेस द अपोजिशन, अपोजिशन को दबाने के लिए अनडेमोक्रेटिक, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो ऐसे प्रोसेस यूज किए जा रहे हैं, लाइक यू माइट हैव सीन द ईडी वगैरह जो यूज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड सम सेक्शन ऑफ द अपोजिशन हैव रिफ्यूज टू एक्नोलेज, कुछ सेक्शन ऐसे हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, सेक्शन ऑफ अपोजिशन जैसे अपोजिशन पार्टी हैं जो हैव रिफ्यूज टू एक्नोलेज, उन्होंने मना कर दिया मानने से इस बात को कि लेजिटिमेसी वैधता, जो कानून के हिसाब से लीगल काम होता है ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी मान नहीं रहे हैं, उसकी अथॉरिटी नहीं मान रहे हैं। एंड इंडिविजुअल हु हैव सिविलिटी,
सिविलिटी होता है, मतलब एक सिविलियन होता है जो सिविल, जिसमें सिविक होता है, नागरिकता की भावना होती है, जो सिविक होता है ना, हम सिविक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें नागरिक की भावना होती है, जो हम राइट्स वगैरह, तो ये कहते हैं सिविटी, जो सिविल एक मतलब नागरिक होता है, सभ्य नागरिक है, वैल्यू जो हमारी वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल हु वैल्यू सिविलिटी एंड मॉडरेशन, मॉडरेशन मतलब जो मध्यस्थता के मार्ग पे चलता है इन पॉलिटिक्स, कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन स्टोरिंग डेमोक्रेसी प्रिंसिपल बाय एक्जर्टिंग इन्फ्लुएंस। एक्जर्टिंग होता है किसी को प्रेशर लगाना, एक्जर्ट करना, इन्फ्लुएंस प्रभाव डाल के विद इन पॉलिटिकली रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिटिकली से संबंधित है, रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें, तो कोई भी कह सकते हैं इंडिविजुअल, कोई भी बंदा जो हु हैव हु वैल्यू सिविलिटी, जो नागरिकता को इम्पोर्टेंस देता है, एंड मॉडरेशन या मध्यस्थता का मार्ग फॉलो करता है इन पॉलिटिक्स, कैन प्ले ए क्रूशियल रोल, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन रिस्टोरिंग दी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बाय एक्जर्टिंग प्रेशर लगा के, इन्फ्लुएंस लगा के, अपना प्रभाव लगा के विद इन द पॉलिटिकल रिलीवेंट इंस्टीट्यूशन। पार्टी मेंबर्स शुड यूज देयर इन्फ्लुएंस, पार्टी मेंबर को यूज करना चाहिए अपना इन्फ्लुएंस प्रभाव, टू रिस्ट्रेन रोक लगाना देयर ओन पार्टीज एक्सेसिस। एक्सेसिस का मतलब होता है जो अपनी लिमिट से क्रॉस करता है, जो अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाता है, जैसे मान लो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई भी अथॉरिटी है, वो एक्सेसिस कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना पुलिस एक्सेसिस, पुलिस अपने लिमिटेशन से, बाउंडेशन से बाहर जा रही है और वो अपना परपिट्रेट कर रहे हैं, आदमी को सता रहे हैं। एंड फोकस ऑन दी सबस्टांटिटिव इश्यू, सबस्टांटिटिव होता है कि सबस्टांटिटिव इश्यू होता है जो कि सस्टेन करें, मतलब अच्छे खासे इशू हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फोकस ऑन दी सबस्टांटिटिव इशू, जो कि समाज में इराडिकेट करने के इशू हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है, ये अपने शेड्यूल 7 में लिखा गया है, और जिसके जिसकी जो अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की, स्पीकर डिसाइड करता है कि ये आदमी डिस्क्वालिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो विच कंस्ट्रेन, जो कि बाधा लगाता है लेजिस्लेचर पे, जो कानून बनाने वाले होते हैं लेजिस्लेचर बोलते हैं उनको, टू पार्टी लीडरशिप डिक्टेट्स, पार्टी के डिक्टेट्स, जैसे आप बोलते हैं ना डिक्टेट करा दो, किसी को ऑर्डर लिखवाना होता है डिक्टेट्स, या जो भी तानाशाह या किसी को बोल के ऑर्डर करते हैं, जो पार्टी लीडरशिप जो होती है उनके डिक्टेट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से कोई भी अगर मान लो MP उससे खफा है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये रोक लगाता है उसके लेजिस्लेचर पे। टू पार्टी लीडरशिप डिक्टेट्स नीड्स टू बी डिस्कस, मतलब इसको डिस्कस किया जाना चाहिए कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कुछ MP जो पहले, अगर मैं बात करूं अंबेडकर के टाइम पे, अंबेडकर जी ने भी कुछ हिंदू सिविल कोड लॉ के टाइम पे अपने आप रिजाइन दे दिया था, क्योंकि वो खुश नहीं थे उस कोड लॉ से। ऐसे ही फखरुद्दीन अहमद थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया था जब जो मुस्लिम से रिलेटेड मैरिज के लॉ लेके आए थे या डाइवोर्स के लॉ लेके आए थे। तो ऐसे ही है कुछ, मतलब उनको अगर वो नहीं रिजाइन देते हैं तो उनको कंपलसरी ये एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, वैसे ही पार्टी की विप न मानने की वजह से उसको खत्म कर दिया जाता है वहां से। तो यही बात है, नीड्स टू बी डिस्कस फॉर इट्स इफेक्ट, जो इसके इफेक्ट पड़ते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी, पार्टी के विद इन दी पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब एक फैमिली नहीं बनेगी या फिर एक आदमी की डिक्टेटरशिप चलेगी, इनर पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहां भी सबको बात रखने का अधिकार होना चाहिए। इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन, इशू बेस्ड पर्टिकुलर इशू को लेकर मोबिलाइजेशन होना चाहिए, मोबिलाइजेशन मतलब पर्टिकुलर इशू से इशू पे बात होनी चाहिए, या मोबिलाइजेशन है एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा में विचार जाने चाहिए। पावर इन पॉलिटिक्स पार्टीज, अगर बात करें जो पॉलिटिकल पार्टीज में पावर यूज होती है, हैज बिकम ए कंसंट्रेटेड, मतलब कुछ लिमिटेड हाथ में चली गई है, कुछ ही पर्टिकुलर मान लो एक ही फैमिली के आदमी बन रहे हैं, या कुछ एक ग्रुप ही हमेशा उस पावर को कंसंट्रेटेड करके रखा, कंसंट्रेटेड अपने ही अंदर समाहित करके रखा है, इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स। एंड डिस्पर्सल होता है छितराना, छोड़ देना, एक जगह से खत्म, मतलब बट जाना अलग जगह, डिस्पर्सल ऑफ पावर जरूरी है, सबके हाथों में पावर बटनी चाहिए। टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि वोट डल के बने हुए इलेक्टेड हैं, आदमी ने चुने हैं वो, एंड कैन क्रिएट एवेन्यूज, एवेन्यू होता है रास्ता, आपके पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, रास्ते हो जाएंगे फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के लिए रास्ता खुल जाएगा, नेगोशिएशन जैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं आदमी की, एंड फॉर मोबिलाइजेशन, और मोबिलाइजेशन होगी पावर की एक हाथ से दूसरे हाथ में भी। द मास मीडिया, जैसे जो मीडिया यूज करते हैं चैट, जो भी चैट के लिए यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह या मास मीडिया जो भी है, यूट्यूब वगैरह, आल्सो प्लेज ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, आदमियों के ओपिनियन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बट इफ ओपन कंट्रीब्यूट्स इट, मतलब ये चीज़ें जो हैं ओपन प्राय क्या कंट्रीब्यूट करते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि समाज पोल में बढ़ जाता है, बस कोई BJP पोल में, कोई कांग्रेस पोल में, या कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी, पोलराइजेशन हो जाता है। इंडिविजुअल विद इन्फ्लुएंस कैन प्रमोट, इंडिविजुअल्स जिसका वही इन्फ्लुएंस रहता है कैन प्रमोट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, मतलब अच्छा सा जो
अनबायस चीज़ें हों। अनबायस होता है कि किसी की तरफ, एक की तरफ ना झुकना, सारी बात अच्छे से करना, अनबायस होता है। जर्नलिज्म एंड रिबिल्ड कर सकता है जो ट्रस्ट, विश्वास को इन द मीडिया। इट इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंसर्न सिटीजन, जिनको मतलब चिंता है उससे, जो नागरिक जिन जो हमेशा चीज से रिलेटेड संबंधित रहते हैं, या कंसर्न सिटीजन अक्रॉस, अक्रॉस मतलब पूरे इंडिया में। आइडियोलॉजिकल डिवाइड, जो कंसर्न आइडियोलॉजिकल, जिसकी आइडियोलॉजी भाई मैं बोलते हैं ना कि मैं इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, इस अपनी साइकोलॉजी को इसको डिवोट करता हूँ, टू कम टुगेदर, उनको इकट्ठा आना चाहिए, टू रिस्टोर, दोबारा से चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए, ट्रस्ट विश्वास इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रिजर्व इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, और इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को बचाना चाहिए। तो ये अच्छा खासा ऐसे लिख सकते हैं, आपके मेन आंसर राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए, या कुछ मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की भी नॉलेज दी है जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाएगी, प्रीलिमिनरी में भी क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में देख लेना, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।